अभी आप मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने शुरुआत से पढ़ते जा रहा हूँ थे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल धरती या पानी दोनों में, वो आपको पता है ब्लू व्हेल। और यहाँ पे इंद्रोड़ा पार्क में ब्लू व्हेल का पूरा स्केलेटन यहाँ पे रखा गया है। हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पे और मेरा नाम है तंजील। आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे पिछले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ गांधीनगर के इंद्रोड़ा पार्क में, जो करीबन अहमदाबाद से 30 किलोमीटर है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। इंद्रोड़ा पार्क उस फेमस है उनके सभी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के लिए। और वो एक जू है इंद्रोड़ा पार्क, और एक डायनासोर थीम के ऊपर पूरा पार्क बनाया गया है। तो चलिए विजिट करते हैं इंद्रोड़ा पार्क की, चलिए निकलते हैं। टिकट मैंने ले लिए दोस्तों, 30 रुपये पर पर्सन है, और फोर व्हील में लेके आया था तो 30 रुपये फोर व्हील के लगेंगे। अभी इसका टिकट लेने के बाद थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ, जो आप यहाँ पे आते तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि फोर व्हील लेके आते जैसे 30 रुपीज़ हो गया, अगर आप बस लेके आते, अगर एजुकेशनल पर्पज़ से बस लेके आते तो वो 90 रुपीज़ है, और अगर पैसेंजर व्हीकल्स जैसे आप टूरिस्ट तरीके से आते हैं यहाँ पे तो आपको 120 रुपीज़ बस का चार्ज लगेगा। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, अंदर खाना पीना कुछ अलाउ नहीं है। इसके लिए आप जब भी यहाँ पे आने का प्लानिंग करते हैं, आप बाहर से आ रहे हो यहाँ पे, तो बाहर कुछ नाश्ता या कुछ खाना खा के आए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे का खाना तो यहाँ से थोड़ा सा अलाउ है। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मंडे के दिन क्लोज़ रहता है तो आप मंडे को गलती मत करिएगा कि मंडे को यहाँ आ जाए, मंडे को ये क्लोज़ रहेगा। और यहाँ का टाइमिंग मॉर्निंग 8 to evening 6, लेकिन 5:30 से ये लोग टिकट देना बंद कर देते हैं। तो बेटर होगा कि आप मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाइए 9:30 बजे, और मॉर्निंग में आप अच्छा घूम पाएंगे। और यहाँ पे अंदर ऐसा सुनने में आया कि वॉकिंग काफ़ी करना पड़ता है, इसके लिए अब अगर आप मॉर्निंग में आते तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर हमको क्या देखने मिलता है। अभी दोपहर के बजे है 1:30, और समर का टाइम है, काफ़ी गर्मी है, फिर भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए आज इंद्रोड़ा पार्क को पूरा कवर कर जाऊंगा। इंद्रोड़ा पार्क में एंट्री कर ली, और स्टार्टिंग में आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुजरात का पूरा एक बड़ा सा मैप बनाया हुआ है, और गुजरात के किस किस पोर्शन में फॉरेस्ट है मैप में क्लियर बताया है। चलिए अभी तो गुजरात के अंदर आया गांधीनगर का इंद्रोड़ा पार्क देखते हैं। और डायनासोर पार्क के एंट्री गेट पे आपको एक बड़ा सा डायनासोर का स्टेचू मिल जाएगा, और उसके अंदर से हमको डायनासोर पार्क में एंट्री करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि अंदर और क्या वेराइटीज़ देखने मिलती है। यहाँ पे अंदर एक आपको पूरा डायनासोर का पूरा सा एक टाइम जोन बताया हुआ है, कौन से टाइम जोन में कौन से डायनासोर देखने मिले थे। ये कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है कि गुजरात में आपको कौन सी जगह पे किस टाइप के डायनासोर्स के अवशेष मिले थे, पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छा बताया गया है इसके अंदर। जैसे कच्छ, अंजार, ये सभी गुजरात के डेजर्ट है, देन हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर, सभी चीज़ की यहाँ पे डायनासोर्स की जाति के साथ डिटेल लिखी हुई है।
पहला डायनासोर एलोगोरस और उसके बाजू में स्टेगोसोरस का है। यहाँ पे इंद्रोड़ा पार्क में ये कोशिश की गई है कि एग्जैक्ट जैसे जो डायनासोर की मैक्सिमम हाइट वो टाइम पे थी, वही हाइट यहाँ पे और वही लेंथ बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा सा एलोगोसोरस, और यहाँ पे एक बोर्ड है उसके ऊपर उसकी सारी डिटेल्स इसमें लिखी गई है कि कितने करोड़ साल पहले ये डायनासोर पाए जाते थे और ये किस तरह शिकार करते थे और कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते थे। देखिए ये मेरे पीछे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डायनासोर के 6.5 करोड़ साल पुराने जीवाशेष से ये धरती में दबे हुए थे और खोदकाम के दौरान ये सब बाहर निकला है। अब तो अपने हमारे जैसे इंसान को तो हमको तो ऐसा लगे कि ये नॉर्मल पत्थर है, लेकिन इसको परखना और एक इसको पहचानना एक आर्ट है। चलिए ये रूम की आपको विजिट करवाता हूँ। इस मरीन वेटरनरी एंड इनवर्टिब्रल फॉसिल्स से, ये सब फॉसिल्स है मरीन डायनासोर्स के फॉसिल्स से, इसके बारे में यहाँ डिटेल लिखी हुई है कि कौन से डायनासोर की ये फॉसिल है और कहाँ से पाई गई है, वो भी फॉसिल्स के ऊपर नोट डाउन किया गया है। उसके बाद जो फर्स्ट डायनासोर साइंटिस्ट को मिला था उसका नाम था मेगालोसोरस, उसके ये फॉसिल्स है। आप देख के फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो आप सिर्फ आप यही लगेगा कि ये एक नॉर्मल पत्थर है, लेकिन ये फॉसिल्स ये बोन्स है डायनासोर्स के, वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं और एग्स है, ये सभी चीज़ बोन्स के पार्ट है। ये देखिए सोरोपोड डायनासोर्स के हैं, ये एक एग है करोड़ों साल से जो ज़मीन में दबा हुआ था। अब एग है यानी कि एग जैसा ही नहीं रहेगा, इतने सालों में वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायनासोर्स के एग। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो जुरासिक वर्ल्ड जुरासिक पार्क, जहाँ पे उस मूवी में उन लोगों ने आतंक मचाया था, और ये इसका नाम है टेरिबल क्लो। आपने जुरासिक पार्क पिक्चर में देखा हो तो दरवाज़ा खोलता है अपने फिंगर से और उसके नेल के आवाज़ आती टक टक, यह सही में इसका नाम है टेरिबल क्लो, क्योंकि इसके जो उंगलियां रहती है तीन, वो ये काफ़ी माइंडेड डायनासोर रहते हैं, छोटे हैं लेकिन काफ़ी माइंडेड डायनासोर है। बड़े डायनासोर से लेके छोटे डायनासोर तक हर किस्म के डायनासोर का यहाँ पे स्टैचू मौजूद है और काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बताया गया है नाम के साथ। अभी देखिए छोटा सा डायनासोर जो बैट जैसा दिखता है, अभी के जो बैट जैसा, लेकिन उसके आप टीथ देख सकते हैं। ये और जिसने भी जुरासिक पार्क मूवी में लीड एक्टर का काम किया हुआ है, यही है वो डायनासोर लीड एक्टर। आप देख सकते हैं जुरासिक पार्क का लीड एक्टर, यहाँ पर स्टैचू बनाया गया उसका, उसके पंजे देखिए, उसके टीथ देखिए, मेरे सामने इस तरह देख रहा है कि मुझे अभी खा जाएगा, वाह। और इसका नाम है ट्राइनोसोरस, जिसने उस 9.5 करोड़ साल पहले आतंक मचाया हुआ था डायनासोर की दुनिया में। मेरे पीछे डायनासोर, उधर भी डायनासोर, और इधर भी डायनासोर, हर जगह डायनासोर के स्टैचू, हर जगह। कोई डायनासोर की जाति यहाँ पे बाकी नहीं है, हर एक डायनासोर को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। जिसको डायनासोर की लाइफ में या 9.5 करोड़ 10 करोड़ साल पहले इस धरती पे क्या था, यहाँ पे पूरी जानकारी उस टाइम की बताई गई है कि उस तरह के डायनासोर्स कैसे दिखते थे एग्जैक्ट। ये देखिए माय गॉड, काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं लेकिन डर भी लगता है, हर जगह डायनासोर्स। कैसे हो, आओगे मेरे पास? चलिए फ्रेंड्स, डायनासोर थीम पार्क की विजिट पूरी हो गई है, अब आगे चलते हैं लाइव एनिमल्स देख के। वहाँ पे सुना है कि वाइट टाइगर्स और दूसरे अपने नॉर्मल टाइगर्स और काफ़ी सारे टाइप्स के स्नैक्स अवेलेबल है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब डेड एनिमल्स तो काफ़ी हो गए, लाइव एनिमल्स देखते आगे बढ़ के। चलिए
यार साहब, स्नेक तो अंदर आराम से बैठे हुए, और ये कहाँ पे? ये तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, इतना मिट्टी मिट्टी है यार, इतनी दूर कौन देखे भाई। अरे यार, अरे भाई, ये कौन है यार, एकदम पास में बैठा हुआ है। अरे यार, ये है इंडियन पाइथन, भारतीय पाइथन। ये इंडिया का सबसे बड़ा पाइथन आप देख सकते हैं, और इसके बाजू के विंडो में भी, ओहो, ये भी इंडियन पाइथन है। चलिए, स्नेक हाउस की विजिट हो गई है, अब चलते हैं। ये मेरे पीछे आप बॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लायन टाइगर लेपर्ड उस साइड है, और यहाँ पे क्रोकोडाइल टॉर्टोइज और टर्टल और व्हेल का स्केलेटन वो इस साइड है। तो पहले चलते हैं लायन, क्योंकि दोपहर काफ़ी हो चुकी है, और लायन टाइगर अगर उनकी जो केव में छुप गए तो फिर अपने को लायन टाइगर देखने नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ एक ऐसे टाइगर के लिए स्पेशल, जिसका मैंने वीडियोस देखा था, को आगे बताता हूँ कि कौन से टाइप के टाइगर को देखने के लिए स्पेशल मैं यहाँ पे आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स वॉक, काफ़ी चलना है भाई, पानी वानी पीते रहना दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक मैंने पहली बार देखे है वाइट डियर, ऐसी प्रजाति मैंने कहीं नहीं देखी। पूरा यहाँ पे हरण उद्यान बोलते हैं, यहाँ पे करीबन 5 से 6 टाइप के डियर है, उसमें से वाइट डियर पूरे के पूरे वाइट रहते हैं, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये देखिए वाइट डियर यहाँ पे, जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे। ये मेरे पीछे आप वाइट टाइगर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाइट टाइगर रियली में नहीं है, ये जीनेटिकली डिसऑर्डर रियल टाइगर का, इसके वजह से धीरे धीरे वाइट हो रहा है। आपको उसके पीछे के स्ट्रिप्स है जो रियल टाइगर के, और आगे स्ट्रिप्स वाइट हो गए, लेकिन ये जीनेटिकली डिसऑर्डर है, सही में ये वाइट टाइगर नहीं है। वाइट टाइगर सही में साइबेरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इस जीनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर उसको रखा गया है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का वाइट टाइगर एक। फ्रेंड, करीबन 2 किलोमीटर चल के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और क्रोकोडाइल तो मैं गया था क्रोकोडाइल केज के पास, लेकिन वहाँ पे एक जो क्रोकोडाइल था वो एक ही क्रोकोडाइल था, वो पानी के अंदर था, तो उसका वीडियो बनाना मैंने सही नहीं समझा। तो अभी आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने शुरुआत से पढ़ते जा रहा हूँ, तो कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल, धरती या पानी दोनों में, वो आपको पता है ब्लू व्हेल। और यहाँ पे इंद्रोला पार्क में ब्लू व्हेल का पूरा स्केलेटन यहाँ पे रखा गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा स्केलेटन, पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल जो होता है वो करीबन 30 मीटर तक उसकी लंबाई होती है, और उसका वजन 150 टन, 1 टन मीन्स का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, 150 किलोग्राम तक होता है, और करीबन 85 ईयर्स तक वो जिंदा रहती है। तो और ब्लू व्हेल 10 हाथी के बराबर उसका वजन होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ ब्लू व्हेल का रियल स्केलेटन, क्योंकि आज तक हमने ब्लू व्हेल को सिर्फ डिस्कवरी चैनल्स और वहाँ पे ही देखा है, तो आज ओरिजिनल ब्लू व्हेल हम तो दरिया में जाके कब देखेंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए स्केलेटन तो देखते हैं। ब्लू व्हेल का पूरा स्केलेटन यहाँ पर रखा गया है, पूरा स्केलेटन, रिब्स, उसका फेस, उसकी टेल, पूरा स्केलेटन मुझे चल के बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूर से जूम करके बताऊंगा तो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, वो जो पीछे वाला है वो ब्लू व्हेल का स्केलेटन है, और ये जो अब देखिए उसकी टेल, और ये लेकिन ये जो है उसके जो छोटी ब्लू व्हेल होती है उसका स्केलेटन उसके पास रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं छोटी ब्लू व्हेल का स्केलेटन उसके आगे है। क्या बात है, क्या बात है,
और पूरी ब्लू वेल की डिटेल गुजराती और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखी गई है। ब्लू वेल की पूरी डिटेल, उसका वेट क्या होता है, कितने साल जीता है, वो सब सभी कुछ डिटेल यहाँ पे। पूरा ब्लू वेल का स्केलेटन देखना एक अपने लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको वनस्पति शास्त्र, उसको मैं बोलते बॉटनी, अगर बॉटनी में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी डिफरेंट टाइप के कैक्टस यहाँ लगे हुए हैं और अलग अलग एरिया के कैक्टस यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश गई है और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए आप सभी, ये मेरे पीछे ये कैक्टस दिख रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा रूम भी बनाया है, ग्रीन हाउस जैसा बनाया हुआ है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे लॉक मारा हुआ, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं अंदर ही काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कैक्टस और दूसरे भी कुछ प्लांट दिखाई दे रहे हैं। तो इंद्रोला पार्क में आपको अलग अलग टाइप की इस तरह की वनस्पति जो बोलते हैं वो भी देखने मिल जाएगी। आज मैंने आपको पूरा इंद्रोला पार्क बताया। इंद्रोला पार्क में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी डायनासोर थीम, उसके बाद मैंने आपको स्नैक हाउस बताया, उसके बाद हम गए, हमने देखा वाइट टाइगर, पैंथर देखा, लायन देख नहीं पाए थे क्योंकि लायन उसके अंदर क्यू में था, वो बाहर नहीं आया। उसके बाद मैंने, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, ब्लू वेल का पूरा स्केलेटन मैंने आपको बताया। वो सबसे अच्छी बात थी मेरे लिए क्योंकि मैं स्पेशली वही देखने आया था कि ब्लू वेल की रियल साइज़ क्या होती है, वो जानकारी उसके पास खड़े थे तभी पता चलता है। और उसके बाद लास्ट में ये बॉटनिकल पैटर्न, जो यहाँ पे कैक्टस के काफ़ी सारे डिफरेंट्स आपको टाइप्स देखने मिल जाएंगे। इंद्रोला पार्क को घूमने के लिए करीबन 3 से 4 घंटे चाहिए और यहाँ वॉकिंग काफ़ी करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इंद्रोला पार्क करते आते हैं, अगर आप इंद्रोला पार्क आते हैं तो आपको वॉकिंग काफ़ी करना है। काफ़ी बड़े एरिया में ये बनाया गया इंद्रोला पार्क, और अगर आप गांधीनगर अहमदाबाद में आते तो डेफिनेटली इंद्रोला पार्क की मुलाकात लेना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और समर में आपको गर्मी लगेगी, लेकिन बेस्ट सीज़न में आपको बताऊँगा विंटर और मानसून में आएंगे तो और आपको मज़ा आएगा, जिससे थकान भी कम लगेगी। चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करिएगा। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया सर जी। थैंक यू।